अपनी विचार शक्ति को हमेशा स्वस्थ और कार्यशील रखने के लिए प्रतिदिन एक छोटी सी एक्टिविटी करें, प्रतिदिन लॉजिकली एक पजल सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिए गए हैं 10 बॉक्सेस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखे हुए। 2 रो है, 1 कॉलम है। रोज में 4 बॉक्सेस हैं, कॉलम में भी 4 बॉक्सेस हैं। 10 बॉक्सेस का एड्रेस है ए से लेकर के जे तक। करना क्या है, हमें इन लेटर्स को 0 से लेकर के 9 तक के नंबर से रिप्लेस करना है। और किस तरह रिप्लेस करना है, यदि किसी भी रो के 4 नंबर को हम जोड़ें या कॉलम के 4 नंबर को जोड़ें तो हमें सम मिलना चाहिए इक्वल, एक ही सम हर कंडीशन में मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा अब वीडियो रोकें, अपने से सॉल्व करें। इस तरह की पजल हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। देखते हैं मेरा अप्रोच। मैं सबसे पहले 10 नंबर्स का सम निकालना चाहूंगा। क्या होगा 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स का सम, 1 + 2 + 3 up to 9, 45। अब मान लेते हैं कि किसी भी रो या कॉलम के 4 डिजिट का सम है T। यदि हम तीनों लाइन के सम को जोड़ें तो हमें सम मिलेगा 3T। अब 3T 45 से बड़ा होगा क्योंकि 3T में D और G 2 बार आए, 45 में D और G सिर्फ 1 बार हैं। इसलिए 3T will be equal to 45 plus D plus G। अब 3T total है, इसलिए 45 plus D plus G 3 से divisible होना चाहिए। 45 already 3 से divisible है, इसलिए D plus G should also be divisible by 3। इसलिए D plus G के मूल्य हो सकते हैं 3 या 6 या 9 या 12 या 15 और इसी तरह 3 के मल्टीपल। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 3T equals to 45 plus 3 equals to 48, T is equal to 16, DG के मूल्य हो जाएंगे 03 या 12। इसी तरह से 3T will be equal to 45 plus 6, 51, टोटल होगा 17। डी और जी के मूल्य हो जाएंगे 06 या 15 या 24। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, डी प्लस जी इक्वल्स टू 9 लेते हैं, टोटल मिलेगा 18। डी और जी के मूल्य हो सकते हैं 09 और 18 और 27 और 36 और 45। इसी तरह से हमें टोटल मिलता है 19, टोटल मिलता है 20। 21 टोटल पॉसिबल नहीं है क्योंकि D plus G equals to 18 हम ला नहीं सकते दिए गए डिजिट से। सबसे बड़ा सम D plus G का हो सकता है 9 + 8 = 17। इसलिए पॉसिबल टोटल सम मिलते हैं 16, 17, 18, 19 and 20। आगे बढ़ते हैं, पॉसिबल टोटल्स 16, 17, 18, 19 and 20। हम ट्राई करते हैं 16। 16 के लिए D और G का मूल्य होना चाहिए 03 या 12। यदि G का मूल्य ले लें 0, then 16 will be equal to 0 + 9 + 6 + 1। अब G का मूल्य फिर से एक बार 0 लेते हैं और D का मूल्य लेते हैं 3, तो 16 हो जाएगा 0 + 8 + 5 + 3। और बचे हुए नंबर्स को देखते हैं, अब D will be equal to 3। टॉप रो में 16 will be equal to 3 + 7 + 4 + 2, एक उत्तर हमें मिला। अब हम ट्राई करते हैं DG equals to 1, 2। G का मूल्य 1 ले लें, 16 हो जाएगा 1 + 8 + 4 + 3। G का मूल्य 0 लें और D का मूल्य 2 लें, then 16 will be equal to 1 + 7 + 6 + 2। अब D का मूल्य 2 लें और बाकी डिजिट्स लें,
then 16 will be equal to 2 plus 5 plus 9 plus 0. आंसर यहां भी हमें मिला। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटीज भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करते हैं 17। 17 टोटल के लिए डी और जी का मूल्य हो सकता है 06 या 15 या 24। जी को 0 ले लें, 17 विल बी इक्वल टू 0 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1। जी को लें 0 और डी को लें 6, देन 17 विल बी इक्वल टू 0 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6। अब डी को सिर्फ 6 लेते हैं और बचे हुए नंबर्स लेते हैं, देन 17 विल बी इक्वल टू 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2। आप आंसर देख सकते हैं। फिर मैंने डी और जी का मूल्य लिया 1 और 5, वहां पर भी मुझे उत्तर मिला। इसी तरह से बाकी जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं और अलग अलग उत्तर निकाल सकते हैं। पांचों पॉसिबिलिटीज संभव होंगी। इस तरह की पजल सॉल्व करने से आप सीखेंगे प्रॉब्लम को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना, किस तरह से पॉसिबिलिटीज निकालनी, किस तरह से पॉसिबिलिटीज को ट्राई करना। 501 पजल्स के पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमने डिसाइड किया नया पड़ाव 601 पजल का। बढ़ेंगे 601 पजल की ओर। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।